शर्मा के महासागर, भगवान बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, समग्र क्रांति के प्रणेता हमारे बुद्धिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए पूज्य भिक्षु संघ और आज की सभा के अध्यक्ष मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे समाज के सभी सम्मानित भाई बुजुर्ग बहने आप सभी को मेरा जय हो। साथियों, उद्देश्य बहुत अच्छा है, अगर ये सफल हो जाए हम लोगों की मेहनत इसमें तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं। लेकिन आप सफल कैसे हो उस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है अब तक का कि जब भी कोई बात होती है तो जो विषय होता है 80% से ज्यादा लोग विषय में बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, बाकी फालतू बातें बहुत करते हैं। जैसे ये साथी हैं उन्होंने कहा भी कि जो काम की बात ही जो होनी चाहिए वो तो हुई नहीं, बेकार की बात ही, जोश उबाल बहुत होता। खैर देखिए, धर्म निश्चित रूप से हमें बांधता है और सामाजिक स्तर पर अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो राजनीति को दिशा दे सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में बड़ा भटकाव है और भटकाव की वजह से ही हम सत्ता से बाहर हैं और जो चंद लोग हैं वो सत्ता में हैं और जो मन में आ रहा है वो सारा काम वो कर रहे हैं। और असली बात यह हुई तो भाई सत्ता हासिल की जाए। सत्ता कैसे हासिल की जाए? स्वाभाविक है कि हम सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होके अपने बोर को पटने ना दें एक ही जगह और जिसको बाहर निकालना है सत्ता से उसके विरोध में वोट दें तभी बात बनेगी। हमने याद देखिए आप किस तरह से सोच रहे हैं क्या है, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी बात आप लोग कर रहे हैं हम आपके साथ में हैं। संगठन होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए तभी बात बनेगी। हम अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ साथी मुझे जानते हैं कुछ नहीं जानते, परिचय छोटा सा दे देता हूं आधा मिनट में। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और हमने कई लोगों ने मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल बहुजन अलायंस यानी राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन, जिसमें आज की तारीख में 13 राजनीतिक पार्टियां और 15 सामाजिक संगठन शामिल हैं, एक संगठन बनाया है, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में जितने भी साथी जुड़ जाए जो बहुजन की विचारधारा को लेकर चलते हैं वो प्रयास, जो माधव साहब काशीराम जी की विचारधारा को लेकर चल रहे जोड़ने का प्रयास, जितने जुड़ जाए अच्छी बात, ना जुड़ते कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। आपका प्रयास है बहुत अच्छा, हम भी इसमें साथ में हैं, लेकिन हमें कुछ बात ध्यान रखनी पड़ेगी। साथियों इसमें कोई शक नहीं है, और अगर मैं मानवर साहब काशीराम जी की बात कहूं तो उन्होंने दो बात कही थी कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बच्चों के बिना इस देश का शासन चलने नहीं दूंगा। इतनी सकारात्मक बात शायद ही मैंने आज तक किसी को सुना नहीं है जो कह सके कि शासन चलने नहीं दूंगा। और उसी के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो समाज हुक्मरान होता है उस पर कोई अन्याय और अत्याचार नहीं होता। लेकिन आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं पीछे कि साहब ने जो काम किए, अपना पूरा जीवन लगा दिया, घर छोड़ दिया, विवाह में अंतिम संस्कार में आना जाना छोड़ दिया, कभी अपना अकाउंट नहीं रखा, कभी ये कपड़े भी मांग के वो पहनते थे जो देते वो पहनते थे, उस सब के बावजूद भी उन्होंने समाज को इकट्ठा करके जोड़कर ताकत पैदा की। लेकिन जिन लोगों के हाथ में ताकत आई क्या वो लोग साहब के मिशन को ईमानदारी से लेकर चले? अगर मैं कहूं
कि साहब की आंखें बंद होते ही उन्होंने उस मिशन को टू हो दिया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी साहब। आप मेरी बात से सहमत हो ना हो इससे कोई दिक्कत मुझे नहीं, लेकिन हकीकत ये है। तो जो साहब का मिशन है साथियों, पहले तो हमें समझना पड़ेगा और उसके बाद उस पर काम करना पड़ेगा और तभी हम सफल हो सकते हैं। समय हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट में करूंगा सर, बिल्कुल शॉर्ट में करूंगा। मैं आपकी बात मानता हूं, आदरणीय डॉक्टर साहब के बुलाने पर आया हूं, बिल्कुल शॉर्ट में करूंगा, लेकिन जो बात कह रहा हूं वो तो कह दूं, देखो आने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक साथियों, दूसरा यह है साथियों कि जो मिशन है हमारा वो मिशन हमारा समय बहुत कम है। विरोधी हर तरह की चालें चल रहे हैं, हर तरह के काम कर रहे हैं। अगर हमने देर कर दी और इधर उधर की ही बातें कहते रहे देखते रहे तो 2019 में भी फिर वही लोग आ जाएंगे जो आज हमें दफन करने पर तुले हुए हैं। इसलिए 2019 को टारगेट लेके ही हमें काम करना है, चाहे हमारे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे धार्मिक संगठन हो, कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को मोदी सरकार को 2019 में आने नहीं देना। और जो हमारी वोटें हैं उनके बिखराव को रोकना है, वो बिखरनी नहीं चाहिए और सारी इकट्ठी होकर भाजपा के विरोध में जानी चाहिए। ये काम हमारा होना चाहिए। और साथियों एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, या तो आप अनाउंस करो कि एक पार्टी की सभा है, अगर एक पार्टी की सभा नहीं तो भिन्न भिन्न पार्टी के लोग बैठे हैं तो फिर एक पार्टी की बात मत करो, फिर सबकी बात करते तो सबको ठीक लगे। फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उन्हें कहने दो, जो सच बात है वो कहो साथियों, और जो सही है उसको जानो आंखें मीच के नहीं। अगर जिनके हाथ में सत्ता आई वो ईमानदारी से काम करते तो हम सत्ता से बाहर नहीं होते। दलालों की भीड़ इकट्ठी हो गई, ईमानदार और अच्छे लोगों को कहीं जगह नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान